आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मटकी मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर होगा डूरंड कप। डूरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर ने केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 24। मोहिनीअट्टम नृत्य में 24 या 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस। भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन लॉन टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है? तो होली फाल्गुन मास में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 में। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित था लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है और अब इसे अनुच्छेद 301 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर होगा 150 मिलियन की दूरी पर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन फ्लड। भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भाखड़ा नागल परियोजना। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए भाखड़ा नागल परियोजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नाम क्वार्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जांच बिडाल टेस्ट से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार की जांच बिडाल टेस्ट से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। ईरान संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की झील है, बाकी सभी मीठे पानी की झील हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा चीन के साथ। 1962 में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में विवाद हुआ था। तो दोस्तों, आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।